हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद है कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2019 जो अनाउंस हो चुका है उसके बारे में कुछ डिटेल्स देना कि कैसे अप्लाई करना है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2019 जो पहले अनाउंस होता था KGSP के नाम से, मतलब कि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से, अब ये जो है अनाउंस हुआ है वो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के नाम से अनाउंस हुआ है। मतलब कि KGSP को GKSP कर दिया गया है, तो इसमें जो है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सेम स्कॉलरशिप है जो प्रीवियस अनाउंस होता था और जो अब अनाउंस हुआ है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी डिटेल कंट्री आपको पता है साउथ कोरिया, जो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है और PhD प्रोग्राम होता है। तो फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे तकरीबन सारी फील्ड्स जितनी भी हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड हैं, या आपके जनरल साइंस सब्जेक्ट हैं या आर्ट सब्जेक्ट है, तकरीबन जो हैं सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेक करना है कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं या नहीं है, वो मैं इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा उनके साइट पे जाके कि आपने कैसे अपने डिपार्टमेंट्स को जो सर्च कर लेना है। अब जो स्कॉलरशिप ड्यूरेशन कितना है, डिग्री जो डॉक्टर डिग्री है उसके लिए 4th ईयर, मतलब कि 1 ईयर जो होगा वो आपकी कोरियन लैंग्वेज का होगा, 3 ईयर आपका रेगुलर डिग्री प्रोग्राम होगा, क्योंकि कोरियन जो हैं उनकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ और उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते। कुछ प्रोग्राम्स में भी वहाँ पे इंग्लिश में किए जाते हों, लेकिन वो कुछ पार्ट टाइम उनके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ लेक्चर्स होते हैं, वो कंप्लीट प्रोग्राम इंग्लिश में नहीं होता। इसी तरीके से मास्टर प्रोग्राम ये 3 ईयर का है, 1 ईयर जो है वो आपको कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम कराएंगे, ये स्कॉलरशिप पे होगा। और जो थर्ड वन जो होगा आगे, जो आपके 2 ईयर बचेंगे वो आपकी स्टडी के होंगे। तो रिसर्च प्रोग्राम जो है वो 6 मंथ का होगा, जो भी उसमें होगा, जैसा कि मास्टर डिग्री के एंड में आप करते हो, थीसिस प्रोजेक्ट करते हो या कोई भी रिसर्च करते हो। अब स्कॉलरशिप वैल्यू क्या है, मतलब कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको एयर टिकट अनाउंस करेंगे ये, यहाँ पे ये आप दे सकते हैं, ये मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखें एयर टिकट, रिटर्न टिकट भी आपको देंगे, सेटलमेंट अलाउंस है जो 2000 कोरियन ऑन है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 25,000 के करीब बनता है। और जो मंथली अनाउंस है वो 9 लाख, मतलब कि 9 लाख कोरियन वन, जो पाकिस्तान के मुताबिक 1 लाख तक बनता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो मंथली स्टाइफंड है वो आपका बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको यहीं पे ऑनलाइन दिखाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 900,000 KRW2PKR, 1,11,643। इसका मतलब है जो आपका मंथली स्टाइफंड है वो 1,11,643 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जो वो आपको मंथली स्टाइफंड देंगे। रिसर्च प्रोग्राम के लिए इससे भी ज्यादा है। अच्छा जी, रिसर्च अलाउंस आपको अलहदा से मिलेंगे। लिबरल आर्ट्स सोशल साइंसेज के अलहदा हैं, नेचुरल साइंसेज के वो अलहदा हैं। 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग फी फुली कवर्ड की जाएगी, डिग्री प्रोग्राम ट्यूशन फुली कवर्ड होगा, थीसिस के लिए भी होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स होंगी और कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स होगी। एक किस्म का पूरा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अब नेशनैलिटी, नेशनैलिटी वर्ल्ड वाइड, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज का जो क्या, मस्ट बी 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑफ September 1, 2019, इट मीन्स बोर्न आफ्टर September 1, 1979, ये होनी चाहिए। एकेडमिक्स प्रोफेसर हु आर अंडर 45 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ सितंबर, ये जो है PhD के लिए है। डिग्री रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट मस्ट होल्ड आर मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू होल्ड अ बैचलर्स आर मास्टर डिग्री आर अ डॉक्टर डिग्री बाय द August 31, 2019। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी 31 अगस्त 2019 से पहले इनमें से कोई डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर, डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर, अगर पोस्ट डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो डॉक्टर की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। तो आपका वही जो है, ये सिंपल वही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो छोटी वीडियो बनानी है इस वजह से जो है ना, मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा रहा, ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। जनरल्स रिक्वायरमेंट हैं जो आप प्रीवियस किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं या जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं उसमें ये सेम वही चीज़ होती है। ग्रेड्स, मतलब कि मैक्सिमम ग्रेड्स कितना, अगर तो आपका 4 CGPA स्केल है तो मिनिमम आपके 2.64 होना चाहिए,
4.3 है तो फिर 2.8 होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से ही आपके स्केल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाईली क्वालिफाइड लोगों को जो है करते हैं, मतलब कि ये ग्रेड्स वो हैं जो आपने वहां पे मेंटेन रखने हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव मेंटेन टू ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब कि जो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपने इन ग्रेड्स को मेंटेन रखना है, इनसे नीचे नहीं जाना। हेल्थ इंश्योरेंस आपका ये हाउ टू अप्लाई, हाँ अब ये जो है मेन फोकस जो है वो ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे दो जो हैं ट्रैक हैं, एक है एम्बेसी थ्रू। एम्बेसी थ्रू का मतलब ये होता है जो आप जैसा कि आपने देखा है सीएससी है या और स्कॉलरशिप है, वो भी दो ट्रैक होते हैं, एक एम्बेसी थ्रू होता है एक यूनिवर्सिटी थ्रू होता है। ऐसे ही एम्बेसी थ्रू, एम्बेसी थ्रू का फायदा ये है कि आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। 67 यूनिवर्सिटीज हैं जो कोरियन कंट्रीज के अंडर हैं और वो ये स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही हैं, ठीक हो गया ना 67। तो आप एम्बेसी थ्रू अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप 3 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा इसका ट्रैक है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो इन 67 यूनिवर्सिटीज में से। और इनको सिलेक्ट करने से पहले आपने यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाके अपने प्रोग्राम वेरीफाई कर लेने हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो क्या वो डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है। तो जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग एंड जो इवेल्यूएशन है, जो जिस बेस पे जो है लोग सिलेक्ट होंगे, सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी, वो आपकी एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि ग्रेड अच्छे होने चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट, रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे अपना दे सकते हैं। एप्लीकेशन जो डेडलाइन होती है वो डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होती है, मतलब कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है ये अलग से अनाउंस करेगी, बाकी कंट्रीज के अलग से करेंगी, लेकिन जो मोस्टली जो इसकी होती है डेडलाइन वो लेट मार्च, मतलब कि मार्च के एंड तक आपकी डेडलाइन होती है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब चलते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये इनकी एक साइट है स्टडी इन कोरिया, मेन साइट आप इस पे जाएं तो यहाँ पे ये जो है नोटिस के अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोरियन स्कॉलरशिप जो है नोटिस हो चुका है कि नेट पे आ चुका है, और उन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल दी है जो मैंने आपको बताया कि 840 इंटरनेशनल स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे 155 कंट्रीज में से, और पाकिस्तान की कितनी सीट्स की बनती हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप जब आएंगे साइट पे, यहाँ पे इन्होंने ये गिवन है एप्लीकेशन, आपको फॉर्म भी दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइन भी दी हुई है कि आपने कैसे जो है इसको फिल करना है, अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं, वो सब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन गाइडलाइन पर क्लिक करें तो ये एप्लीकेशन गाइडलाइन, और यहाँ पर है एम्बेसी थ्रू, जो एम्बेसी थ्रू कोटा है फॉर जनरल एप्लीकेशन वो 840 कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्ट होने हैं 146 कंट्रीज में से। तो पाकिस्तान से जो लोग सिलेक्ट होने हैं वो उनकी जो तादाद है वो 5 है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान से टोटल 5 स्टूडेंट सिलेक्ट होने हैं थ्रू एम्बेसी। और जो दूसरा ट्रैक है यूनिवर्सिटी ट्रैक, यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो है 330 कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं 77 कंट्रीज में से, जो पाकिस्तान के तकरीबन 9 स्टूडेंट्स बनते हैं टोटल। ये पाकिस्तान का 49वां नंबर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6+3 टोटल 9, पाकिस्तान से जो सिलेक्ट होंगे 9+5 14 स्टूडेंट्स टोटल इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे। तो इस स्कॉलरशिप के मैं आपको बताता चलूं कि बहुत हाईली क्वालिफाइड और वेल स्किल्ड एप्लीकेशंस को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ये जनरल वही जो मैंने आपको बताया है सारा कुछ वही है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हैं, आप वहाँ से लिस्ट भी देख सकते हैं, टाइप ए जनरल, टाइप बी जनरल, रीजनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल ऑफ द स्टडी प्रोग्राम, यहाँ पे आप ये सारा कुछ वही कुछ है जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके एंड पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी दी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिंक भी दिए हुए हैं, एम्बेसीज भी दी हुई हैं, एम्बेसीज़ का क्या कहते हैं उनकी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है कि आपने अगर रब्ता करना है तो कैसे करना है और कहाँ पर करना है, ये मैं आपको एंड पे दिखाता चलूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं आपको जो है ना वहाँ पे वर्ड फाइल में जो इनका है उसमें फिल करके बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। ये देखिए यहाँ पे जो है अपेंडिक्स बी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोरियन एम्बेसीज, ये सारी एम्बेसीज यहाँ पे गिवन है हर कंट्री की, आप यहाँ से उनके एम्बेसी का ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वरना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड पे जो इन्होंने है आपको यूनिवर्सिटीज़ की सारी डिटेल दी है और उनके ईमेल एड्रेस भी गिवन है। तो
तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोरियन यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हैं, उनके यहाँ पे ईमेल एड्रेस हैं, फैक्स है और फोन नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है। अब ये जो यहाँ पे ये बुकमार्क बना हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये आपकी एम्बेसी या यूनिवर्सिटी ने फिल करना है। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन, इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। पर्सन इंचार्ज ब्लैंक छोड़ देना है। सिग्नेचर ब्लैंक छोड़ देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट सर नेम और गिवन नेम, इसका मतलब है यहाँ पे जैसे मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान, तो यहाँ पे आपने लिखना है उस्मान मोहम्मद, क्योंकि आपने देखा होगा आपके पासपोर्ट पे जो नाम होता है वो उलट होता है, आपका जो सेकंड नेम होता है वो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट होता है वो सेकंड होता है। तो आपने यहाँ पे उस तरीके से अपना नाम मेंशन करना है। कंट्री जो भी आपकी नेशनैलिटी या डिजायर्ड प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं, डिग्री डॉक्टर के लिए कर रहे हैं या रिसर्च प्रोग्राम में कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये चेकलिस्ट है जो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एम्बेसीज को TCS कराने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यही वाला फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट वो नीचे गिवन है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर्म 3, रिसर्च प्रपोजल फॉर्म 4, टू लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, यूनिवर्सिटीज ऑफिसर लेटर ऑफ इनविटेशन फॉर्म 6, रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन ऑफिसेंट लेटर है, जो एक्सेप्टेंस लेटर है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है। जो मास्टर के लिए कर रहे हैं, डिग्री के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है। KGS एप्लीकेशन एग्रीमेंट फॉर्म वो वहाँ पे ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, आपकी मेडिकल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री, बैचलर डिप्लोमा, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, मास्टर्स ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर डिग्री और डॉक्टर डिप्लोमा, मतलब कि यहाँ पे सारे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। एंड पे है एप्लीकेशन प्रूफ ऑफ द सिटीजन्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड भी दे सकते हैं और अपना पासपोर्ट की भी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ ऑफ द सिटीजन, मतलब कि उनके आईडी कार्ड की कॉपीज, आपके फादर और मदर दोनों की। प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ कोरियन स्टूडेंट्स के लिए है जो उनके कोरिया से बाहर कहीं पर पढ़ रहे हैं। प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप, ये भी उन्हीं के लिए है जो बाहर पढ़ रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड TOPIK, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड इंग्लिश प्रोफिशंसी टेस्ट, ये आपने यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफिशंसी जो है सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं लगाना। पब्लिश्ड पेपर, रिसर्च पेपर एंड अदर अवार्ड्स, आपकी अचीवमेंट्स, ये सब आपने अटैच करनी है ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एज मिल सके आपकी एप्लीकेशन को। तो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन ट्रैक आप किसके थ्रू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं या एम्बेसी के थ्रू, आपने एम्बेसी पर क्लिक कर देना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन जनरल है, ओवरसीज कोरियन है, ओवरसीज कोरियन है, आपने जनरल पे क्लिक करना है क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहे हो। डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी, लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंस में आता है आपका, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आता है आपका, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में आता है, जिस सेक्शन में आपका डिपार्टमेंट आता है आपने वो टिक कर लेना है। प्रोग्राम टू अप्लाई, डॉक्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, रिसर्च प्रोग्राम है, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। प्लीज कंप्लीट द फॉर्म बिलो, इट मस्ट बी टाइप इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में ही अप्लाई करना है। सेम वैसे ही सरनेम है, गिवन नेम है, मेल सिंगल, यहाँ पे आपने फोटो लगानी है, डेट ऑफ बर्थ है, एज आपकी है, सिटीजनशिप पाकिस्तानी है, कंट्री आपकी पाकिस्तान है, यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल एड्रेस दे देनी है। मोस्ट रिसेंटली अटेंडेड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपने हाईएस्ट जो आपका लेवल है, जहाँ से आपने की है, आपने बैचलर की है, मास्टर की है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर उसकी एजुकेशन की आपने यहाँ पे फिल करना है। यूनिवर्सिटी नेम है, लोकेशन है उसका, आप सिटी भी लिख सकते हैं, कंट्री भी लिख सकते हैं। अचीव्ड आर एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है, बैचलर के लिए आपने किया है, मास्टर की है, वहाँ से डॉक्टर की है, आपने वो सेलेक्ट करना है। मेजर जो भी हो, जैसा कि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है तो मैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लूँगा। डिग्री ऑफ थीसिस टाइटल, जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, थीसिस किया है, प्रोजेक्ट किया है या कुछ भी जो आपने किया है उसका आपने यहाँ पे टाइटल देना है। लैंग्वेज एबिलिटीज जो भी है, क्योंकि आपके पास कोरियन कोई लैंग्वेज नहीं है तो आपने इसको जीरो कर देना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर में आप यहाँ पे टाइप और टेस्ट स्कोर में छोड़ देना, आप यहाँ पे लिख देना कि मीडियम ऑफ लर्निंग वॉज इंग्लिश, यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं कि मीडियम ऑफ लर्निंग वॉज इंग्लिश, इस दोनों को बेशक आप मर्ज कर सकते हैं और यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आपने वन कोई भी सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। पब्लिश पेपर, अगर आपके पास कोई पेपर है तो आपने वो लिखना है। अगर आपके पास कोई अवार्ड्स हैं, जैसा कि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं या किसी कंपटीशन में आपने कोई पोजीशन ली है या कोई और ऑनर है आपके पास, तो आपने वो यहाँ पे दे देना है, जो आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा जी, चूज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं आपने जो है ना वो बता देना है।
वन, चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, डिपार्टमेंट आपका कौन कौन सा है, मेजर आपका कौन कौन सा, एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट मस्ट चूज थ्री यूनिवर्सिटीज एंड द मेजर यूनिवर्सिटी ट्रैक एप्लीकेशन मस्ट वन, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू करेंगे उनको वन करनी है, और जो एम्बेसी के थ्रू वो तीन, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट देना है, मेजर देना है, और यहाँ पे एक सेक्शन है डिवीजन का। डिवीजन यहाँ पे जो है ना, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, डिवीजन का मतलब ये है कि वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, किस एरिए में है, कौन सी है। यहाँ पे एक कुछ लोगों का ये भी था कि हम ग्रेड्स यहाँ पे अपने बता सकते हैं कि आपके ग्रेड क्या है, जैसा कि हमने देखा होगा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। आपने इसको अगर आप इसको फिल ना भी करें तो ये ज़रूरी नहीं है, आप यूनिवर्सिटी नेम लिख दें, अपना डिपार्टमेंट लिख दें और मेजर लिख दें, इस सेक्शन को खाली छोड़ दें, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आ गया प्रीवियसली अचीव्ड डिग्री, जो आपकी प्रीवियसली है वो आपने सारे देने हैं यहाँ पे। पीरियड जो आपका था, यूनिवर्सिटी नेम आप यहाँ पे लेवल से देंगे, अपनी बैचलर, एफएससी, मैट्रिक जो जो आपकी हैं आपने तरतीब से यहाँ पे दे देनी है। स्कूल आपका क्या कहता, जीपीए ओनली फॉर द टर्म्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एप्लीकेंट, ये सिर्फ सेमेस्टर एप्लीकेंट के लिए आपने यहाँ पे अपनी सीजीपीए देनी है। फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी थी, फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड जितने भी थे, सेकेंड ईयर में आपकी कितनी थी, थर्ड ईयर में कितनी थी, फोर्थ ईयर में कितनी थी, फिफ्थ ईयर में कितने थे, जितना भी हो वो आपने देना है। यहाँ पे आपका जो है कम्युलेटिव जीपीए टोटल कितना था वो बताना है, और यहाँ पे अपनी परसेंटेज बतानी है कि आपकी परसेंटेज कितनी थी। बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम के उन्होंने यहाँ से लिस्ट दी है, आपने सेम इस तरीके से इसको फिल करके अपनी परसेंटेज, ये आपकी सब कुछ आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे गिवन होगा, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आर द प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने वो लिखना है, अगर नहीं है तो इसको एन ए कर देना, नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही प्रीवियस विजिट्स टू कोरिया, नो नॉट एप्लीकेबल आपने कर लेना है, अगर तो आपने किया है तो आपने उसका डिटेल दे देनी है। प्रीवियसली रिसीव्ड स्कॉलरशिप अवार्ड फ्रॉम द कोरियन इंस्टीट्यूशंस, नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ पे अपनी डेट को मैंशन करना है। तो अब जो है, जैसा कि ग्रेड की बात आ रही है, फॉर द ग्रेड कन्वर्जन टेबल मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, यहाँ पे जो आपने ग्रेड लिखने हैं तो वो जो है आपने क्या करना है, उसी के मुताबिक करना है जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, 3.6 या 2.4 जो भी है। डॉक्टर डिग्री एप्लीकेंट मस्ट पुट ग्रेड इन्फॉर्मेशन बोथ फॉर बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, क्योंकि उनको दोनों डिटेल देनी पड़ेंगी, मास्टर वालों को सिर्फ बैचलर की देनी पड़ेगी, यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे आ गया पर्सनल स्टेटमेंट, ये उन्होंने यहाँ पे दिया है कि पर्सनल स्टेटमेंट आपने एक पेज का फिल करना है, ये उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ कवर होनी चाहिए, मोटिवेशन विद विच यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू GKS, reasons for the study in Korea, any other aspects of your background and interest which may help us evaluate your, मतलब कि यहाँ पे आपने सिंपल अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज को जाहिर करना है कि आप क्यों इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे करना क्यों चाहते हैं, आपको फ़ायदा क्या होगा, और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सिंपल आपने इसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपके पास होगा। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या स्टडी प्लान। अब जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया कि पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान मिलते जुलते ही होते हैं, तो यहाँ पे आपने स्टडी प्लान देना है। स्टडी प्लान के अंदर गोल ऑफ स्टडी, टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डिटेल्ड स्टडी प्लान देनी है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आप इसके अंदर बताएंगे। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि आपने कौन सा फॉन्ट साइज और कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, टाइम्स रोमन और साइज 11 होना चाहिए, यहाँ पे आपने इसमें वो फिल करना है। फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी, ये छोटा सा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर प्लान ये देखें ना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक्सप्लेन करते हैं, मैंने ये किया है, मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे ये फ़ायदा होगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, यही आपका यहाँ पे फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान इन कोरिया और अनदर कंट्री आफ्टर स्टडी इन कोरिया, कोरिया में आपकी डिग्री जब कम्प्लीट होगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वो बताना है। सिंपल आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो बना हुआ है या स्टडी प्लान जो बना हुआ है, दोनों सेम होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसमें से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करने हैं। अब यहाँ पे है रिसर्च प्रपोजल, ये सिर्फ उनके लिए है जो रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए, ये मास्टर वालों के लिए नहीं है, ये PhD वाले और रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, सिर्फ उनके लिए है, उन्होंने फिल करना है, बाकियों ने फिल नहीं करना। ये वही रिसर्च प्रपोजल है जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि रिसर्च टॉपिक, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिटेल्ड रिसर्च प्लान, मेथडोलॉजी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द रिसर्च एंड द रिसर्च टाइम टेबल, जिसको हम रिसर्च प्लान का नाम देते हैं। रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन लेटर है जो आपका प्रोफेसर ने साइन करने हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे आप खुद भी इसको करा सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करा के, जैसा कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है।
नेम ऑफ आपका नाम आएगा, नेशनैलिटी आएगी, डिजायर्ड प्रोग्राम मास्टर आएगा, इंटेंडेड मेजर आपका कौन सा आ गया, टू बी कम्पलीटेड बाई दी रिकमेंडर, योर फ्रेंक एंड कनेक्ट इवेल्युएशन ऑफ द एप्लीकेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड इन द सिलेक्शन ऑफ ग्लोबल कोरिया। कहने का मतलब यह है कि जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है, ये जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्क्रीनिंग में, तो रिकमेंडेशन लेटर भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर रिकमेंडेड नाम आ जाएगा, उनका सिग्नेचर आ जाएंगे, डेट आ जाएंगी, पोजिशन टाइटल आ जाएगी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये जो सेक्शन है, ये वाला सारा सेक्शन आपके रिकमेंडर ने फिल करना है, जो भी आपको उसने रिकमेंडेशन लेटर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। एंड पे वो जो है ये डिटेल फिल करके यहाँ पे जो भी उनका होगा आपने इनकी स्टैंप और वो कर लेनी है। आफ्टर कम्प्लीटिंग द रिकमेंडेशन लेटर प्लीज़ प्रिंट आउट आर मेड 3 कॉपीज ऑफ द लेटर यू रॉट एंड साइन ऑल कॉपीज़। आपने इसकी तकरीबन 3 कॉपी करानी है और उन तीनों को आपने अपने उस प्रोफेसर से अटैच कराना है, 1 ओरिजिनल एंड 3 फोटोकॉपीज आपने साथ में अटैच करनी है। प्लीज़ नोट ऑल लेटर्स इन दी एन ऑफिशियल इन्वेलप एंड साइन अक्रॉस दी फ्लैग बैक। ये जो है ना ऑफिशियल इन्वेलप में होने चाहिए, इसको आपने वो नहीं करना, शो आउट नहीं करना। लेटर ऑफ इन्विटेशन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि वो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर, जैसा कि एक्सेप्टेंस लेटर का नाम भी देख सकते हैं, ये उनके लिए, मास्टर वालों के लिए ये नहीं है, ये रिसर्च प्रोग्राम के लिए, सिर्फ डॉक्टर के लिए भी नहीं है, जो रिसर्च अलग से रिसर्च डिग्री है उनके लिए है। अब ये एंड पे जैसा कि उन्होंने ऊपर था आपके चेकलिस्ट में एग्रीमेंट, ये सिंपल एग्रीमेंट है कि आपने क्या करना, इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू, आपने इन सब पे टिक कर देना जो आपके पास अवेलेबल हैं सब। यहाँ पे डेट आएगा, एप्लीकेंट नेम आएगा और एंड पे सिग्नेचर कर देना। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट है आपकी, यहाँ पे सारे उन्होंने पूछा है कि डू यू हैव एनी एलर्जीज, आपने नो कर देनी है, अगर है तो आपने एक्सप्लेन करना है, एनी डायबिटीज़ एनी हेपेटाइटिस तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको नो करते चले जाना है। बाद में इसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद अपनी फोटोकॉपीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लगा के अपने कोरिया एम्बेसी को TCS कर देना है। तो इसकी जो है आपने कोशिश करनी है कि एक ये फॉर्म ओरिजिनल और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी 2-2 कॉपीज़ या 3-3 कॉपीज़ आपने अटैच कर देनी है, अलहदा से स्टेपल्ड कर लीजिएगा कि अलहदा से जो है ना बाइंडिंग हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, क्राइटेरिया के मुताबिक सबमिट हो। तो टोटल मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जो सिलेक्शन होगी वो 14 पाकिस्तान से सिलेक्ट होंगे टोटल, 5 एम्बेसी के थ्रू और 3 और 9 यूनिवर्सिटी के थ्रू। और स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है आपका, स्टाइफंड भी बहुत ज़्यादा है, फुली फंडेड है। तो इस स्कॉलरशिप या इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर अप्लाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों उनके लिए भी, जो लोग ऐसे स्कॉलरशिप्स को सर्च कर रहे हैं या इनकी इंतज़ार करते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स आएंगे तो हम अप्लाई करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे आप सब लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, क्योंकि कोई नहीं जानता किसका कहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ, हो सकता है कि आपकी ये पहला स्टेप आपको आखिरी स्टेप तक ले जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।